हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रेडर स्किल्स। आज बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, मंडे को मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और निफ्टी फिफ्टी हमारा कैसा रहेगा, बेरिश पोजीशन शो कर रहा है अभी या फिर बुलिश पैटर्न कोई शो कर रहा है, वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो अभी अगर आप फ्रेंड्स मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो तो यहाँ पर फिबोनाची मैंने यूज़ किया है ताकि मैं थोड़ा एटलीस्ट लेवल्स निकाल सकूँ कि मार्केट कहाँ पर क्या कर सकता है। सो बेसिकली अगर आप देखो मार्केट ने किया क्या है, आज जो मार्केट कप टोटल या फिर ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि क्या सिनेरियो रहा था, तो आप देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था एंड आफ्टर दैट मार्केट ये गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से वापस ऊपर के लिए रैली कर दिया। बेसिकली जैसे ही मार्केट ने ये लेवल हमारा ब्रेक करने की कोशिश करी, हम यहाँ पर कॉल की ट्रेड में आ सकते थे। बट अगर आप देखो मार्केट ने ये अभी आवर्ली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, मतलब बेसिकली मार्केट ने हमें आज जो टारगेट दिए थे वो हमें आज मार्केट ने टारगेट दिए हैं पुट साइड में, क्योंकि हमने बेसिकली क्या किया था, मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आया था हमने यहाँ से पुट की ट्रेड ली थी। अराउंड हमें 50 to 70 पॉइंट उस ट्रेड में मिल गए थे एंड वापस मार्केट रिवर्स हो गया, तो वहाँ पर हमारा कोई एज सच हमारा कोई बना नहीं था कॉल या फिर पुट लेने का कुछ भी। तो हमने सिर्फ आज एक ट्रेड ली जो कि हमारी पुट की ट्रेड थी एंड पुट की ट्रेड में हम आज ठीक ठाक बेनिफिट हुआ है एंड कॉल की ट्रेड हमारी कोई बनी नहीं। अब बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ फ्रेंड्स, अगर मार्केट इस जोन के ऊपर अगर आज क्लोजिंग दे देता हमें, तो हम वापस से बुलिश साइड में बैठ सकते थे, मतलब कॉल साइड में हम इजीली देख सकते थे एंड हमें काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिल जाते हैं। बट अभी की अगर मैं आपको बात करूँ तो मार्केट के लिए, अगर मैं कॉल साइड के लिए बात करूँ, तो ये जो जोन बना हुआ है ये एक बहुत ही मतलब बहुत ईजिली यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट यहाँ पे रुकना चाह रहा है। और ये जो आपका जोन बन रहा है ये आपका बन रहा है 1940 से लेकर 1950 तक। तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा हम ज़्यादा बुलिश साइड में नहीं बैठेंगे। और वहीं अगर मैं पुट साइड की बात करूँ तो आप बेसिकली ये जो हमारी ये देख सकते हैं एक ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और ज़्यादा सेफ प्ले करने के लिए, ताकि मेरे को भले ही थोड़ा वेट करना पड़े बट मेरे टारगेट एटलीस्ट मेरे को ज़्यादा क्लियर होंगे, ज़्यादा अच्छे मेरे को टारगेट मिल जाएंगे। तो वहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अभी मार्केट है आपका 19733 पे। अगर मार्केट 19670 के नीचे निकलता है तो आप वहाँ पे पुट की एक ट्रेड ले सकते हैं। और कहाँ तक के टारगेट्स के लिए, बेसिकली अगर आप यहाँ तक के टारगेट देखें तो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, मतलब यहाँ से आप यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। 70 पॉइंट के आपके टारगेट होंगे, तो 70 पॉइंट कोई छोटे टारगेट नहीं है, 70 पॉइंट ठीक ठाक टारगेट है, तो पुट साइड में आपको 70 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। वहीं अगर मैं कॉल की बात करूँ, अगर कोई एकदम ठीक है इनिशियली किसी को एकदम पुट लेना है तो वो बेसिकली क्या करेगा, वो ले सकता है आपका 19780 का लेवल। अगर मार्केट तोड़ता है तब वो वहाँ पे कॉल साइड के लिए एक छोटी सी ट्रेड ले सकता है। बेसिकली जैसे ही मार्केट इस जोन को आपका तोड़ेगा आप यहाँ तक के लिए कॉल के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं और आपके कॉल के टारगेट होंगे अराउंड 60 to 70 पॉइंट्स के। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट अगर इस जोन को तोड़ रहा है बाय द वे, इस जोन के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देगा एक बार, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से कॉल साइड में बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, मतलब 150 से 200 पॉइंट एक दिन में ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली ये है फ्रेंड्स हमारा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।